के अंदर चिकन का फीलिंग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लग रहा है। बोल सकते हैं इसमें पूरा चिकन ही चिकन है। तो पहले चिकन शोरमा रोल और रोल सबको पसंद है, लेकिन आज हम ऐसा दुकान के बारे में आपको बताने वाले जो 1000 रोल एक दिन में सेल करते हैं। और ये दुकान है आपका ग्रेटर नोएडा जगत फार्म में, और इसको जानते हैं लोग रोशनी रोल कॉर्नर के नाम से। तो चलिए इनका मेकिंग देखते हैं, बहुत ही ज्यादा लजीज होने वाला है। तो भाई लोग, ये है हमारा चिकन शोरमा, बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है। देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। पहले चिकन को एक रॉड के अंदर घुसा के इस तरीके से मशीन के अंदर दे दिया जाता है ताकि वो सेक सके दोनों साइड से। और यहाँ पे देख सकते हो एक पूरा हीटर जला हुआ है और इसको सेका जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है बोल सकते हैं। और उसको काट के एक तवे पे ला लिया जाता है और इसको चॉप किया जा रहा है बहुत ही मही मही, ताकि जितना भी बड़ा बड़ा टुकड़ा है वो एकदम पतला हो जाए और इसका जो मुंह में जाए इतने के साथ इसको आपको चबाना ना पड़े। और देख सकते हो किस अमाउंट में इसको मिलाया जा रहा है, किस तरीका से इसको कट किया जा रहा है। अच्छा, मसाले बहुत सारा रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पे आ गया, ये प्याज डाला जा रहा है, ये देख सकते हो हमारे सामने प्याज डाला गया, प्याज है, इसके अंदर टमाटर है और हरा मिर्च है, यहाँ पे है ना काजू मक्खन और यहाँ पे अमूल बटर का यूज किया जाता है। और देखो किस तरीके से यहाँ पे शोरमा में डाल दिया गया ये ग्रेवी, और इसको इस तरीके से मिलाया जा रहा है। और इसका जो खुशबू है, मिलाने का तरीका है ना, वो सच में अलग है। और यहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही ज़्यादा बिजी है, देख सकते हो लोग यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पे ऑर्डर वगैरह आ रहा है। और मेन मेन का जो रोल फेमस है, देख सकते हो किस अमाउंट में यहाँ पे कंटिन्यू बनते जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे रखा है शोरमा, यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे रेडी भी है। यहाँ पे अंडा रोटी को ले लिया गया है, उसके ऊपर डाला जा रहा है क्रीम, और यहाँ पे ये आ गया आपका चिकन शोरमा। देख सकते हो ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे अंडा ब्रेड को यूज़ किया जा रहा है, ऐसे नॉर्मल ब्रेड यूज़ किया जाता है देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा लजीज, और इनका पैकिंग करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। पहले नीचे से एक कैप टाइप का दे देते हैं ताकि वो नीचे से निकले नहीं, जो हमारे खाते समय निकल जाता है उस चीज़ का ध्यान रखें। ये क्या क्या डालते हैं भैया? इसमें गोभी, प्याज, गाजर, चुकंदर, शिमला। अच्छा पूरा भाई, ये देख सकते हो, बोल सकते हैं कि भाई गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा पहाड़ बना दिया गया है, पत्ता गोभी का एकदम चलौती बेहतरीन, पूरा 30 किलो बनता है पार में। नमक, ये आ गया नमक का बारिश, ये आ गया गरम मसाला, ये आ गया आपका गरम मसाला, इसको मिला लो। ये देखो किस तरीके से बगाइस मिल रहा है, ये देख सकते हो किस अमाउंट में, एक बार में ये 30 किलो यहाँ पे बनाते हैं, एक बार में 30 किलो प्रिपेयर किया जाता है। इनका बेजोर का देख सकते हो कितना डिमांड है यहाँ पे, ये देखो पूरा एकदम ऊंचा ऊंचा उसको उठाया जा रहा है देख सकते हो। ये हो गया सब्जी तैयार किया, हाँ जी। ये देखो यहाँ पे सब्जी तैयार हो गया, तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे बगल में रख दिया जाता है और यहीं से ये सब कुछ मैनेज करते हैं। देख सकते हो किस अमाउंट में यहाँ पे बना है, यहाँ पे एकदम अभी खाली था देख सकते हो, डायरेक्ट अब इसको डाल दिया जाता है नीचे की ओर। और यहाँ पे रोटी रखाना चालू हो गया है, एक रोल का जो रोटी है वो यहाँ पे रखाना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो इसको पूरे बढ़िया तरीके से फैलाया जा रहा है सब जगह, इसी तरीके से दे दिया गया ताकि ये गर्म होते रहे। अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा, देख सकते हो इस तरीके से हर एक कौर और रोटी को एक एक करके सेक लिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में इसका, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा, देख लो वहाँ पे सादा वाला रोल प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ पे देख लो उसका जो वेजीज है वो डाल दिया गया, अब उसको डबल फ्राई किया जा रहा है, ऐसे हाफ डन करके यहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद इसको डबल फ्राई किया जा रहा है देख सकते हो। इसको अब डबल फ्राई होने वाला है, उसके बाद यहाँ से हटा के अब डायरेक्ट रोल पर दिया जाएगा। ये देखो एक एक करके यहाँ पे प्रोसेस से स्टार्ट हो गया, एक एक करके अभी इसको वेज रोल पे डाला जा रहा है इस तरीके से। मेनू तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या क्या खाएं, हमको क्या क्या ट्राई करना चाहिए? सब बेस्ट चिकन शोरमा रोल, वैसे तो सभी बेस्ट है, लेकिन अच्छा सबसे ज़्यादा चिकन शोरमा बेस्ट है यहाँ का, चिकन शोरमा सबसे ज़्यादा फेमस है। अच्छा उसके बाद और कुछ? चिकन रोल बताया सबसे ज़्यादा हमारा, चिकन टिक्का है, चिकन कबाब है, अच्छा चिकन तंदूरी है, तंदूरी है। अच्छा तो हमको क्या क्या खाना चाहिए आप बताइए, दो चीज़ हमको बताइए जो खाएं एकदम। चिकन शोरमा। अच्छा और चिकन रोल खा लो। चिकन रोल ठीक है, ये दो चीज़ मेरा बनवाइए। ये देखो किस तरीके से साफ करने के लिए रेडी हो गया, जितना भी रोल है सबको अभी एक जगह किया जा रहा है, देख सकते हो एक रोल रोटी का जो है वो पहाड़ बन चुका है, ठीक है एक रोटी बोल सकते हैं इसको। ये देखो ये हो गया पहाड़ टाइप का, एकदम बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है, क्रिस्पी देखने में लग रहा है। अभी ये आ गया हमारा साइड में, अब इसको किया जाएगा मसाले के साथ फिल। अरे सादा क्यों ना करे, पहला का ऑर्डर है सादा का, फिर भी ना कर रहे यार।
तो देख सकते हो मेरे पास रोल आ गया भाई। इनका देख सकते हो रोल में बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, इसमें बहुत सारा बढ़िया से चिकन डाला गया और सॉस वगैरह का बारिश किया गया था इसके अंदर। और इसके 10 मिनट पीछे में बहुत ही ज़्यादा बिजी एरिया चल रहा है। तो लेते हैं इसका फर्स्ट राइड, उसके बाद बात करते हैं। और पहले इसका पैकेजिंग का बात करें तो वही टिशू पेपर पे दे दिए। और इनका एक खास बात लगा ना, नीचे से पॉलीथीन वगैरह जो भी नीचे से गिर जाता था ना वो गिरेगा नहीं, बहुत बढ़िया पैकेजिंग करके दिए। वैसे ये छोटा सा चीज़ लेकिन बताने लायक था ये। तो चलते हैं एक बाइट लेते हैं इसका। बहुत ही ज़्यादा जूसी है इसका जो चिकन का ग्रेवी था ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मज़ेदार है। ऐसा स्पाइसी आपको चाहिए क्योंकि ऊपर से जो मैदा का ये जो लेयर होता है रोटी, वो आपको एकदम बैलेंस कर देता है, बहुत ही ज़्यादा लजीज है। इसके अंदर जो सॉस यूज़ किया गया ना बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इसको पनीर फिनिश करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। वैसे हम लोग का यहाँ पर भैया शोरमा भी हम लोग का रेडी हो चुका है। ये चिकन शोरमा ऑर्डर किए थे तो देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो जिसमें मेयोनीज डाला गया है, उसके बाद हरी चटनी है, इनमें बोला जाता है कि बहुत सारा चीज़ है। और ये रोटी टाइप का रहता है, इसके अंदर चिकन को बट डाल दिया जाता है। इसके अंदर चिकन में जो ग्रेवी यूज़ होता है ना वो काजू है, बट अमूल बटर है और भी बहुत सारा चीज़ डाला जाता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा एकदम गर्म गर्म और बहुत ही ज़्यादा पतला रोटी है, उसके अंदर चिकन का फीलिंग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लजीज लग, इसके अंदर चिकन का फीलिंग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है, बोल सकते हैं इसमें पूरा चिकन ही चिकन है। तो पहले जाना चाहेंगे हम मेयोनीज के साथ, ये मेयोनीज के साथ आ गया, ओए ओए हमारा चिकन बाहर निकलने लगा। तो ये रहा मेयोनीज के साथ, पूरा चिकन ही का टेस्ट ही आ रहा है भाई। ये जो रोटी है ना, ये रोटी के रेटी है ना चिकन को पकड़ने का काम कर रहा है, उसके बाद अंदर में जो चिकन का फीलिंग किया गया है, तो इसमें जो बटर और काजू का जो आया है टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मज़ेदार है। कैसे हो भाई, आप लोगों को कैसा लग रहा है टेस्ट? टेस्टी है भाई। अरे भाई को तो दिखाओ यार जिसने बनाया है। भाई तो बहुत बढ़िया है, देख सकते हो मेरे सामने एक भाई जुड़ गया, आजा भाई शर्माने लगे, ये बहुत बढ़िया से बोल रहे थे भाई हमें भी दिखा दो। टेस्ट कैसा लग रहा है अभी आपको? अरे कोई बात नहीं, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। ये रोशनी हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, रोशनी एक रोल यहाँ पे आई है, एक और टेस्ट करना बनता है। और यहाँ पे सीटिंग एरिया भी यहाँ पे बना हुआ है। तो चलते हैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और भीड़ देख लो किस तरीके से यहाँ पे जुटा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना भी थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा थोड़ा नहीं बोल सकते, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ा हमको। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं है तो कर देना। तब तक हम ये खाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिए और कुछ खाने का जुगाड़ कीजिए।